बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं मिसेज इफ्तखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफा किचन बाय मिसेज इफ्तखार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेसमे चिकन रेसिपी। एक स्नैक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी बन जाती है। इसको बनाना बहुत ईजी है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सेसमे चिकन बनाने के लिए हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है बोनलेस, जिसे लंबाई में काट लिया है जूलियन कट में। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्चें, और इसको अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इन सब चीज़ों को इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। हाफ एन आवर के लिए मिनिमम छोड़िएगा और मैक्सिमम आप इसको 3-4 घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। ये मेरी चार्जिंग वायर को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था इसीलिए ये भी बीच में ही शूट हो गई। आप बैटर बनाएंगे, बैटर बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है। बॉल के अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप मैदा, इसको अच्छे से सीव करेंगे। 1/4 कप इसमें जाएगा चावल का आटा और 1/4 कप इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मिक्स हर्ब मैंने डाली है 1 टीस्पून, मिक्स लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और ये क्रश्ड रेड चिली हैं ये भी 1 टीस्पून मैंने शामिल की है। अच्छा सा स्पाइसी सा बैटर बनाएंगे और धनिया थोड़ा सा आप शामिल कर दीजिए। और इस बैटर को हमने बनाना है पानी के साथ। आपका दिल चाहे तो आप दूध के साथ बना लीजिए, मैं इसको पानी से बना रही हूँ। और इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, मुनासिब सी कंसिस्टेंसी रखेंगे इसकी। और व्यूवर्स, आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए हौसला है ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ और अच्छा काम कर सकूँ। बेल के आइकन को प्रेस कर दें, इससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर देखें, मैं जा रही हूँ फ्राई करने चिकन को। मैरिनेटेड चिकन जो है वो उसे बैटर में डिप करेंगे। इस तरीके से अच्छी तरह से कोट कर दीजिए, हर तरफ मैदा जो बैटर हमने रेडी किया है वो लग जाए। अब इसे बाहर निकाल लीजिए, किसी स्पून या फोक की मदद से भी निकाला जा सकता है। मैं यहाँ पे एक स्मॉल टॉन्ग यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसको सेसमे सीड्स में कोट करेंगे और ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे अच्छा सा गर्म हुआ है और जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम है। और फ्लेम जब भी ऑन करेंगे दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए, आमीन सुम आमीन। साथ साथ इसको चलाते रहें चम्मच को ताकि ये आपस में चिपके नहीं। बहुत ज़्यादा फ्लेम ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये 10 से 12 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर है और सेसमे सीड्स की वजह से इनकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम मुझ पर दरूद भेजा, इसे क़्यामत के दिन मेरी शफात हासिल होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें शफात हासिल करने का मुस्तहिक बनाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी खुशकल नज़र आ रही है कि दिल चाह रहा है फ़ौरन से खा लें। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।